नमस्ते दोस्तों, बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए हुए, तो आज हम शुरू कर रहे हैं। कुछ एजुकेशनल दोस्तों ने बोला है कि कुछ आप बताइए डायलिसिस के बारे में, इनिशिएशन ऑफ डायलिसिस। हम जब डायलिसिस शुरू करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछा मेरे दोस्तों ने। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इनिशिएशन ऑफ डायलिसिस। जब भी हम डायलिसिस शुरू करते हैं तो एक डायलिसिस थेरेपिस्ट को क्या क्या करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्री डायलिसिस सेफ्टी चेक, राइट। सो हमने ये लिख रखा है, ये प्री डायलिसिस सेफ्टी चेक। प्री डायलिसिस सेफ्टी चेक बहुत ज़रूरी है। बिना प्री डायलिसिस सेफ्टी चेक का आपको डायलिसिस नहीं चालू करना है और करना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। सो क्या क्या चीज़ें देखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर सिस्टम, जो आपका आरओ प्लांट है वर्किंग है कि नहीं है, वो आपको एटलीस्ट इन्फॉर्म होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको डेली चेक करना होता है, राइट। जब वाटर ट्रीटमेंट का मैं अगर आपको वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल बताऊंगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डेली चेक करना होता है, उसका डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज़ वर्किंग, राइट। इंश्योर होना चाहिए कि प्रॉपर वर्क कर रहा है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट है प्री सेफ्टी चेक में, राइट। अब आप पेशेंट को लिटा दिया, आपने डायलिसिस चालू कर दिया और मालूम चला कि वाटर सप्लाई जो है नहीं आ रहा है, तो आप डायलिसिस नहीं कर सकते हैं। फिर आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, डायलिसिस बंद करना पड़ेगा। अगर आपने कैनुलेट किया है, नीडल लगाया है फिस्टुला में, तो फिर अननेसेसरी पेशेंट को ही तकलीफ होने वाली है। सो इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वाटर सिस्टम, ये इंश्योर होना चाहिए कि आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है, वर्किंग है, ऑन है, राइट। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो मशीन है, जब भी आप मशीन डिसइंफेक्ट करते हैं उसके बाद केमिकल फ्री होना चाहिए। मशीन जो है आपका केमिकल फ्री होना चाहिए, उसके लिए आप रेसिड्यूअल टेस्ट कर सकते हैं, राइट। और मशीन में ऑप्शन भी है कि जब आप डिसइंफेक्शन करते हैं उसके बाद मशीन खुद पूछती है कि इज फ्री फ्रॉम केमिकल्स। तो अगर केमिकल फ्री है मशीन, देन यू कैन स्टार्ट द डायलिसिस प्रोसीजर। सो इंश्योर एब्सेंस ऑफ केमिकल जो कि आप यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, आपका मशीन का राइट डिसइंफेक्शन के लिए जो भी केमिकल आप यूज करते हैं डायलिसिस बेसिकली करने का मतलब यह है कि डायलिसिस चालू करने के पहले आपका मशीन जो है केमिकल फ्री होना चाहिए, राइट। क्योंकि मशीन को एवरी ट्रीटमेंट हमें डिसइंफेक्शन करना होता है, रिंस करना होता है, तो मशीन के अंदर कोई केमिकल ना हो ताकि पेशेंट को तकलीफ ना हो, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप डायलिसिस शुरू करें आपके पास करेक्ट कंसंट्रेट हो, जिसको आप सब लोग जानते हैं ए पार्ट और बी पार्ट प्रॉपर होना चाहिए, फुल होना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर ए पार्ट है तो उसमें आपको पोटेशियम फ्री करना है या नॉर्मल पोटेशियम यूज करना है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए, जो कि डायलिसिस प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन रहता है। सो करेक्ट कंसंट्रेट प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। ए पार्ट एंड बी पार्ट, जिसको ए सभी लोग जानते हैं एसिड कंसंट्रेशन, एंड बी फॉर बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो ये आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डायलिसिस मशीन, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी डायलिसिस आप चालू करने जा रहे हैं तो प्री सेफ्टी चेक में डायलिसिस में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी मशीन वर्किंग है और अच्छी तरह से वर्किंग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कोई भी टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है, तो मशीन को पहले टेस्ट में डालना है। जब आप टेस्ट में डालेंगे तो सेल्फ टेस्ट जब मशीन अपनी करती है तो आपको उसमें अगर एरर है तो बताएगी कि इसमें प्रॉब्लम है। अगर कोई एरर नहीं है मशीन में तो मशीन सेल्फ टेस्ट पास हो जाएगी, देन यू कैन स्टार्ट द डायलिसिस, राइट। तो सेल्फ टेस्ट है, उसमें और भी सब चीज़ें होती है, कंडक्टिविटी है, टेम्परेचर है। कभी कभी क्या होता है कि आप ओवरराइड कर देते हो टेस्ट को और ड्यूरिंग डायलिसिस लो टेम्परेचर हो जाता है, या कभी कभी ब्लड लीक का अलार्म आने लगता है, या कभी फॉल्स ब्लड लीक आता है, कभी आप देखोगे कि पॉजिटिव प्रेशर या यूएफ बैलेंसिंग का जो लीकेज का आ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कंडक्टिविटी का एरर आने लगता है,
राइट, कंडक्टिविटी का मिक्सिंग रेशियो इज नॉट राइट, मिक्सिंग रेशियो का इशू आ जाता है, कंडक्टिविटी का आ जाता है, टेम्परेचर का इशू आ सकता है, राइट, ब्लड ब्लड लीक का फॉल्स आ सकता है, एरर। सो ये आपको प्री डायलिसिस सेफ्टी चेक में आपको प्रॉपर इंश्योर होना चाहिए कि आप मशीन आपका काम कर रहा है, मतलब आपको प्रॉपर ये मतलब रहना चाहिए नॉलेज कि आपकी मशीनें अच्छी तरह से काम कर रही है, राइट, और कभी भी टेस्ट को ओवरराइड ना करें। उसके बाद जो भी आप प्राइमिंग करते हैं, आपका एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए ट्यूबिंग में, तो भी आपको यू हैव टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट, राइट, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे सेंटर में रियूज का प्रैक्टिस होता है, क्या करते हैं उसमें, हमें डायलिजर को वॉश करना होता है, राइट, ये आर्टिफिशियल किडनी है, ये डायलिजर, राइट, सो डायलिजर को अगर आपको राइट आपके अंदर इसके अंदर केमिकल फील करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, राइट, वॉशिंग करने के बाद इसमें केमिकल फील करते हैं, इसको फिर प्रिजर्व रखते हैं हम लोग नेक्स्ट रियूज के लिए। सो अगर रियूज का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका ये डायलेजर स्टरलेंट फ्री होना चाहिए, राइट, इसके अंदर कोई स्टरलेंट नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरा, अगर स्टरलेंट अगर है तो आप कैसे जांच करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो पहले हम लोग फॉर्मल्डिहाइड यूज करते थे, अभी हमने फॉर्मल्डिहाइड यूज करना बंद कर दिया, तो फॉर्मल्डिहाइड अगर यूज करते हैं तो आफ्टर प्राइमिंग यू हैव टू चेक द राइट रेसिडुअल टेस्ट विच शुड बी लेस देन 5 ppm, अगर 5 ppm से कम है फॉर्मल्डिहाइड का तो यू कैन स्टार्ट द डायलिसिस, राइट। अभी हम लोग सभी डायलिसिस यूनिट में रेनालिन का प्रैक्टिस करते हैं, रेनालिन यूज करते हैं, तो रेनालिन अगर 3 ppm से कम है देन यू कैन रीयूज द डायलिजर, सिंपली नॉट रीयूज बट बेसिकली यू कैन स्टार्ट द डायलिसिस, क्योंकि रीयूज ऑलरेडी है डायलिजर, ये रीयूज आप कर रहे हो, उसमें आप केमिकल फिल करके आपने रखा है। जब भी आप प्राइमिंग करेंगे, प्राइमिंग के बाद आप रेसिड्यूअल टेस्ट करेंगे, रेसिड्यूअल टेस्ट में अगर वो 3 ppm से कम रहता है उसमें रेनालिन, राइट, सो यू कैन स्टार्ट द डायलिसिस। सो दीज आर द लिटिल इम्पोर्टेंट यू नो प्री डायलिसिस सेफ्टी चेक। ये ए में हमने कुछ सिंपल जो इम्पोर्टेंट है हमने वो भी डिस्क्राइब किया है कि आपको प्री डायलिसिस सेफ्टी चेक में क्या क्या चेक करना है, राइट, अगर आप रियूज का प्रैक्टिस करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है रियूज का, मैक्सिमम डायलिसिस सेंटर में डायलिजर यूज करते हैं और मैक्सिमम सेंटर में रेनालिन यूज करते हैं, तो रेनालिन का रेसिड्यूअल टेस्ट करना बहुत जरूरी है आफ्टर प्राइमिंग, राइट। ब्लड ट्यूबिंग मैक्सिमम सेंटर में सिंगल यूज होता है, अभी तो कुछ ऐसे डायलिसिस सेंटर है जहां पर डायलिजर और ट्यूबिंग दोनों सिंगल यूज होता है, बट अगर कॉस्ट देखें तो अगर आप डायलिजर को रीयूज करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम हो जाता है, इसलिए डायलिजर को रीयूज करते हैं बहुत सारे सेंटर, और बहुत सारे सेंटर जो है सिंगल यूज करते हैं, राइट। तो ये बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज है हमने ये आज मैंने कहा कि थोड़ा सा, वैसे भी मैं थका हूँ, मुझे बताना नहीं था ये सब चीज़ें, बट दोस्तों ने बोला कि आप कुछ बताइए, बहुत दिन हो गया वीडियो आपका नहीं आ रहा है डायलिसिस के ऊपर, तो मैंने कहा चलो मैं शुरू करता हूँ पहला टॉपिक इनिशिएशन ऑफ डायलिसिस। सो अब डेली मैं कोशिश करूँगा कि एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूँ जो बेसिक आपको काम आए, पेशेंट को भी पेशेंट का भी नॉलेज बढ़े और डायलिसिस थेरेपिस्ट का भी थोड़ा बहुत थोड़ा नॉलेज बढ़े और उनको पेशेंट का केयर अच्छा कर सके, क्योंकि डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं वैसे भी यू नो उनकी किडनी खराब होती है, वैसे उनको 3 बार हॉस्पिटल आना होता है, 4-4 घंटे डायलिसिस कराना होता है, तो एक उनकी जो यू नो साइकोलॉजी है, और वो ऐसे भी हम जो डायलिसिस थेरेपिस्ट जो हमारी जो एक फैमिली है हम लोग काफ़ी उनको सपोर्ट देते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो अगर हमारा नॉलेज अच्छा रहेगा डायलिसिस थेरेपिस्ट का तो वो अच्छा केयर दे सकता है पेशेंट को।
ये सब बेसिक चीजें जो है ना डायलिसिस थेरेपिस्ट को मालूम होना चाहिए ताकि वो अच्छा से अच्छा केयर दे दे डायलिसिस पेशेंट को, राइट। क्योंकि डायलिसिस पेशेंट वो हमारे भरोसे आते हैं कि चलो हम इस सेंटर पे जा रहे हैं डायलिसिस करा रहे हैं, तो वहाँ के स्टाफ अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, राइट, अच्छा एसेप्टिक टेक्निक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं एसेप्टिक, सारा इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज फॉलो करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है किसी पेशेंट को, अच्छा केयर करते हैं। तो इसी इसी वजह से किसी किसी सेंटर में काफ़ी पेशेंट आते हैं, दूर दूर से उस सेंटर में पेशेंट आते हैं, वहाँ पे अच्छे स्टाफ है इस वजह से। तो आप अच्छा बनना है, पेशेंट का अच्छा से केयर करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जब भी आप डायलिसिस शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो क्या क्या सेफ्टी है। ये तो हमने प्री डायलिसिस सेफ्टी चेक की बात की है, और धीरे धीरे हम पॉइंट आपको बताते जाएंगे, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नमस्ते।